बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल चटकारेदार समोसा चना चाट की रेसिपी। आपने चाट तो काफी सारे खाए होंगे, मगर आज जो चाट हम बनाएंगे ये इतना जबरदस्त बन के तैयार होगा कि मेहमान इंशाल्लाह आपसे रेसिपी जरूर पूछेंगे। और मजे की बात यह कि ये सिर्फ एक से दो मिनट में ही बनके तैयार हो जाता है। आइए जल्दी जल्दी आपका टाइम जाया किए बिना हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। समोसा चना चाट को बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक अदद प्लेट और इसमें हम रखेंगे एक अदद समोसा है ये हमारे पास। अगर आप ये समोसा अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक जो है वो मैं आई बटन में डाल दूंगी। आप इजिली ये अपने घर पर भी बना सकते हैं। और अगर टाइम कम है तो समोसे लाइए और जल्दी जल्दी से ये समोसा चना चाट बना लीजिए। इसको अच्छे तरीके से समोसे को हम तोड़ लेंगे। याद रहे कि इसका ये ऊपर वाला पार्ट आपने नहीं तोड़ना, ये बहुत खूबसूरत सा लगता है। ये देखे बिल्कुल इसी तरीके से समोसे को छोटे छोटे पीसेस में कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारे पास बॉइल्ड चने हैं। तकरीबन हमने 3 टेबलस्पून इसमें ये चने उबले हुए डाल देने हैं। चनों को ऐड कर देने के बाद यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक बारीक कट की हुई ये हमारे पास प्याज है, इसे भी यहाँ पर तकरीबन हम 3 टेबलस्पून के करीब ही ऐड करेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये चीजें कोई मसला नहीं है। प्याज को ऐड कर देने के बाद यहाँ पर हमने बारीक बारीक कट की हुई टमाटर ले रखे हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम ये टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को ऐड कर देने के बाद 3 टेबलस्पून ये हम क्यूब्स में कट किए हुए आलू ऐड करेंगे। खूबसूरती के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और ये आगे जी हमारे पास क्या इसको कहते हैं बारीक कट की हुई हरी मिर्चें हैं, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। सारी चीजें यहाँ पर मैंने माशाल्लाह से ऐड कर दी हुई हैं। अब बारी आ जाती है इसमें कुछ चाट मसाला स्प्रिंकल करने की। आप जिस हिसाब से पसंद करते हैं उस हिसाब से आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा। चाट मसाले को ऐड करने के बाद ये हमारे पास काला नमक है तकरीबन 2 चुटकी के बराबर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और अब जी यहाँ पर बारी आ जाती है कुछ चटनियों को ऐड करने की। यहाँ सबसे पहले ये हमारे पास बहुत ही जबरदस्त सी चटनी जो मैंने तैयार करके रखी हुई है पुदीने की और हरे धनिये की है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आपका दही जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही होना चाहिए। मीट सॉस को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये इमली की हमारे पास खट्टी मीठी सी जबरदस्त सी चटनी है, वो भी हम इसके ऊपर ये टॉप पे ऐड कर देंगे। तो ये लें जी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं चटपटी चटकारेदार समोसा चना चाट की जो रेसिपी है वो बनके तैयार हो चुकी हुई है। इस रेसिपी की खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये बहुत ही इंस्टेंट बनके तैयार होती है। आगे आ रहा है रमजानुल मुबारक, तो आप लोग इसे जरूर इफ्तारी में ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तब तक के लिए आप सभी को करती हूँ अल्लाह हाफिज़।